की शादी में भी उन्होंने वो पिंकी को बुला दिया है, बिट्टू को मनवा दिया है, शादी करवाई नहीं है यहाँ। तो मुझे ऐसा लगता है वो अगले 10 सीजन तक लोगों की शादियां अटेंड करेंगे। मेरा बस चलिए बजरंग दल में चली रहा हूँ मैं इस वैलेंटाइन्स को। मैसेज तो हम क्या ही देंगे, अगर उनको प्यार है किसी से तो करेंगे प्यार, उसमें हम अगर रोकेंगे भी तो वो तो हमसे लड़ाई कर लेंगे। एक्चुअली पेरेंट्स आ रहे हैं और मेरे पापा का 13th को ही बर्थडे है, तो हम उसी दिन और उनके साथ ही पूरी फैमिली के साथ। माय मैसेज टू दिस जनरेशन इन जनरल इज टू टेक इट स्लो। व्हाई आर यू लाफिंग विक्रम? भाई फैब का महीना है यानी कि वैलेंटाइन का महीना आ चुका है, ऐसे में आज हमारे साथ फिल्म वीट ओटीटी पर मौजूद हैं अनसॉर्टेड वेब सीरीज के को स्टार, जिनके साथ हम बहुत सारी बातें करने वाली हैं कि इस जो ये सीजन है इसमें क्या क्या हुआ है और आने वाले सीजन में क्या क्या होने वाला है। वेल सबसे पहले तो स्वागत है आपका विक्रम, तान्या और मुग्धा फिल्म वीट पर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है आप तीनों से कि आप लोगों का ऑल ओवर एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत ही अच्छा था, मतलब इट्स लाइक वी वेटेड फॉर द रिलीज सिंस 9 months, वी शॉट इट 9 months अगो, सो नाउ दैट इट्स फाइनली आउट देयर इट्स जस्ट ओवरवेलमिंग फॉर मी पर्सनली, बिकॉज लाइक वी ऑल गेव अ लॉट टू इन टू द मेकिंग ऑफ इट, सो we really thrilled that it's out and there for you guys to finally watch it. Mera bhi experience was very nice. I think hum log ne like Mugdha said bahut hi wait kiya iska aur wait ka I think jo sabr ka phal tha wo meetha hi tha. It was nice. I really enjoyed watching the show, knowing the story still I enjoyed, you know, watching it all over again. और आई एम श्योर बाकी को भी यही लगे, बट ओवरऑल एक्सपीरियंस वर्किंग विद यू नो मुग्धा विक्रम एंटायर टीम और भी जो हमारे साथ लोगों ने काम किया, इट वॉज वेरी एनरिचिंग, बहुत कुछ सीखने मिला, बहुत सारा फन किया हमने ऑन द सेट और बहुत सारा वेट भी किया, तो एक्सपीरियंस वॉज वेरी गुड। ओवरऑल एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ वाज अ फिल्म, मतलब जैसा उसमें एक्शन ड्रामा रोमांस इमोशन सब होता है, तो जब ये शूट भी कर रहे थे तब भी ऐसा हो रहा था, कभी हम शूट कर रहे हैं तो एकदम ट्रेजेडी होगी बारिश आ गई, कभी शूट कर रहे हैं तो वो टाइम पे खत्म नहीं हो रहा, कभी शूट कर रहे हैं अरे वो जल्दी खत्म हो गया। एक दिन तो ऐसा था कि मैं रुका था कि शूट करेंगे बट वो इतनी जल्दी हो गया कि जरूरत ही नहीं पड़ी, और तो मतलब सब कुछ था, अप्स थे, डाउन्स थे, हाइज थे, लोज थे, और फन बहुत ज्यादा था जैसे कि तान्या ने भी बताया, और वो रहता है कि मतलब जब हमारी टीम ऐसे होती है तो हमें काम कम लगता है और वो प्ले ज्यादा लगता है, वो तो रहा है हमेशा से। तो ऋषभ, राहुल, मुक्ता, दाना हमने की पहले भी किया है तो एक नया एक्सपीरियंस की तरह नहीं कह सकते इसको, क्योंकि पहले किया है तो सब एक दूसरे के साथ इतने ईज में है कि वो लगता ही नहीं ऐसे टाइम निकल जाता है, तो वो एक शूटिंग एक्सपीरियंस भी अच्छा था और जब रिलीज होके आई है तो जब लोग देख रहे हैं तो वो भी अच्छा है, तो ओवरऑल तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। बाकी आप देखना फिर आप अच्छा लगेगा आपको तो हमारा एक्सपीरियंस और अच्छा हो जाएगा। मैंने तो देख लिया, मुझे बहुत अच्छी लगी है, बस फिर तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है हमारा। सेकंड क्वेश्चन मेरा विक्रम और मुग्धा से है कि रियल लाइफ में भी कभी आपको शेयरिंग कैब वाला ऐसा प्यार या कोई मोमेंट हुआ है? शेयर्ड कैब वाला फर्स्ट टाइम आंसर विक्रम? हां अरे बिल्कुल, इतना नहीं हुआ जैसा अनसॉर्टेड में हमने दिखाया है। हाँ मतलब I think I have shared a cab with a crush, so oh my god but it didn't go anywhere, like it was very my crushes are also very short lived, so I think like not as much as we've shown in Unsorted, but हाँ I have, it's fun, प्यार नहीं था but हाँ I've shared a cab with a crush, so yes। जैसे आपने क्वेश्चन पूछा पता नहीं कितना कोइंसिडेंस है, मैं मेरे को फ्लिपकार्ट का मैसेज आ रहा है यू हैव अ न्यू मैच वेटिंग इनसाइड से सी हियर। एनीवेज तो नहीं मेरे साथ वैसा कैब वाला एक्सपीरियंस तो नहीं हुआ, अब पता नहीं उसको एक्सपीरियंस कहेंगे या नहीं कहेंगे, मेरे साथ ऑटो वाला हुआ है। मैं दिल्ली में ही कहीं से कहीं जा रहा था ऑफिस के बाद से कहीं, तो उस दिन बारिश बहुत हो रही थी तो ज़्यादा ऑटो मिल नहीं रहे थे, तो पता नहीं ऐसा ही हुआ कि हम मतलब मैं और मेरा फ्रेंड थे तो वो अपना उसको एक ऑटो मिल गया, उसको दूर जाना था तो वो निकल गया, अब मेरे को थोड़ा पास ही जाना था तो मेट्रो स्टेशन तक के आसपास,
एक ऑटो मिला, वो पहले तो मना कर रहा था, फिर बाद में वो मान गया, तो मैं चल रहा हूँ. अब जैसे ही ऑटो हम मतलब हम क्या, मैं बैठा उसमें और एक मिनट हुआ होगा कि थोड़ा ऑटो आगे चला, उसके बाद आगे से कोई लड़की ऐसे हाथ रोक रही थी, तो ऑटो वाले ने रुका नहीं और वो पीछे से आवाज आई, अरे रोक तो लो यार या सुन तो लो यार, कुछ तो ऐसे बोला उसने, मुझे ध्यान नहीं है. तो फिर ऑटो वाले को मैंने बोला मैं रुक जा यार, तो वो ऑटो वाला रुका, वो पता नहीं आगे आई. तो फिर ऑटो वाले को उसने देखा, मैं भी बैठा हुआ था अंदर, तो ऑटो वाले को बोलती वहां चले, तो जहां जहां भी उसे था, तो ऑटो वाले ने दिखाया कि भाई मैं ऑलरेडी बैठा हूँ, तो मेरे को देख रही है. मैं कहा हाँ सुन रहे हैं अब क्या मतलब, सुन तो लो बोला था आपने तो सुनाओ. तो फिर वो थोड़ा एम्बेरस हो गई थी, फिर उसके उसने बताया नहीं नहीं मुझे यहाँ ऐसे से वहां तक जाना है. तो मैंने कहा नहीं मैं यहाँ तक जाऊंगा, उसके बाद मैं वहां उतर जाऊंगा, तो आप ले जाना आगे. तो बस वो एक एक्सपीरियंस था वैसा. तो बैठे हुए थे ऐसे, नॉर्मल बात हुई थी, बट कुछ वैसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ था कि ओ माय गॉड वाला, बट अच्छा था वो एक्सपीरियंस भी, सही था. नेक्स्ट क्वेश्चन भी विक्रम मेरा आपसे ये है कि मुग्धा और तान्या दोनों के साथ आपने बहुत सारी वेब सीरीज में काम किया हुआ है, तो दोनों में से फनी कौन है सबसे ज्यादा? नहीं बहुत सारी तो नहीं काम किया इनके साथ, लेकिन हाँ दोनों में सबसे ज्यादा फनी तो मुझे लगता है मैं हूँ. बाकी ये भी ठीक ठाक कर लेते हैं, हंस लेते हैं दोनों एक साथ. दोनों अपने तरीके से अपने आप में अलग अलग लेवल के फनी हैं. वेरी डिप्लोमैटिक. तानिया एंड मुग्धा, शूटिंग के टाइम पे सबसे फनी मोमेंट आप लोगों का कौन सा रहा अनशॉटेड जब शूट कर रहे थे आप लोग? सबसे फनी मोमेंट Tanya, you go first. Do you remember? There were a lot of moments actually, which were very funny. बहुत सारे moments थे जो funny थे. एक particular I remember. So हम ना बात कर रहे थे. बाहर तुम लोग का मुग्धा और विक्रम का शॉट लगा हुआ था एंड आई वॉज इन साइड. ठीक है, सडनली जो हम प्रॉपर्टी में थे उसमें लाइट चली गई थी और मेरे को पता नहीं कहाँ से एक बिंदी का पत्ता मिला था, तो मैंने ना वो सारी बिंदी जितनी भी थी सब अपने और सडनली लाइट चली गई और किसी ने तो टॉर्च जलाई फोन की और वो मेरे को देख के ऐसे डरा क्योंकि एकदम मंजुली का लुक था वो. तो मतलब हमने बड़े सारे क्लिक्स किए एंड देन आई डिसाइडेड नॉट टू टेक इट ऑफ ओनली क्योंकि मेरा कोई शॉट नहीं था, मेरे हो चुके थे, मैं बस वहां पे मस्ती कर रही थी. तो मतलब वो डरावना प्लस कम फनी एक मोमेंट मेरे को जो याद आ रहा है अभी वो था. यार मैंने मिस कर दिया था ये. मैंने फोटो खींची हुई है, मैं दिखा दूंगा. ओह माय गॉड. बट मेरे तो बहुत सारे थे. मतलब हमारी जो स्टाइलिस्ट थी मान्या, जो हमारी मेकअप आर्टिस्ट थी रक्षा, उन सब के साथ वी वर ऑल, इट वाज अ लॉट ऑफ फन ऑल द टाइम. वी वर पुलिंग ईच अदर्स लेग्स, रोस्टिंग ईच अदर, तान्या, मी, विक्रम एंड ऋषभ, दीक्षा. मतलब जो हमारे जो कास्ट थी वो तो थे ही आपस में जितने मजे करते हैं, उसके अलावा द एंटायर क्रू वाज सो मच फन. वी वर ऑल रोस्टिंग ईच अदर एंड इट वाज वेरी नाइस टू बी ऑनेस्ट. There was never a dull moment, never a moment where we would feel, I never felt like there was a lack of, you know, energy nahi hai set pe, ya ki bahut dull sa, meko aise mahol mein kaam karne mein thoda maza nahi aati. To main generally, I start cracking people up because I like working in very light-hearted environments where, you know, nobody is really tensed. And Rahul, jo hamare writer director hai, he waise bhi makes sure ki tension to na hi ho set pe. He's a very calm and composed director. But इस सेट पे सारे लोग ऐसे थे कि जो मजे ही ले रहे होते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा तानिया से. लास्ट सीजन में हमने देखा कि अब नमन और तारा तो मिल चुके हैं और शहर जो है वो जा चुकी है बैंगलोर, तो बैंगलोर में फिर से वो किसी के साथ कैब शेयर करने वाली है, तो फिर से किसी और के साथ लव स्टोरी शुरू होगी आपकी? ये हुक जिस पे छोड़ा है ना अनसॉर्टेड को, ये हुक तो ये इट रिलेट्स बैक टू मुग्धा और मतलब तारा और नमन मिलते हैं एक कैब में शेयर करते हैं. ये हुक इसीलिए छोड़ा गया था कि पीपल हैव दिस क्वेश्चन इन माइंड. अनसॉर्टेड आई थिंक नेक्स्ट पार्ट भी इन प्रोसेस ऑफ यू नो थॉट्स स्टार्ट हो गया है कि उसका स्टोरी लाइन क्या होना है.
सो आई एम होपिंग और मतलब मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता बट आई एम होपिंग एक नई कहानी एक नई स्टोरी वुड बिगिन फ्रॉम देयर फ्रॉम बैंगलोर सो लेट्स सी. वेल नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा विक्रम से है कि जो तारा का एक ड्रीम है वो शादी वाला वो इस सीजन में पूरा हो जाएगा जो नया सीजन आएगा उसमें. हाँ. अब ये तो आप राहुल से पूछो पिंकी की शादी में भी उन्होंने वो पिंकी को बुला दिया है बिट्टू को मनवा दिया है शादी करवाई नहीं है यहाँ पे भी तारा नमन में दोनों को मिलवा दिया है बस वो किसी और की शादी देख रहे हैं. तो मुझे ऐसा लगता है वो अगले 10 सीजन तक लोगों की शादियां अटेंड करेंगे उसके बाद जब उन्हें लगेगा कि हाँ ये हो रहा है सब सब किसी का डाइवोर्स नहीं हो रहा तो वो शादी कर लेंगे मुझे ऐसा लगता है. वेल अब तीनों से नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि वैलेंटाइन के क्या क्या प्लान है आप लोगों के. मेरा बहुत ड्राई वैलेंटाइन सो मेरे तो दूसरों के ही देख देख के खुश हो जाऊंगी मैं. मेरे कोई प्लान्स नहीं है सूखा सूखा वैलेंटाइन सो. यार मैं तो अभी उस स्टेज में हूँ जहाँ मुझे ना प्रॉब्लम होने लग गई है कि ठीक है रिलैक्स मतलब ज्यादा कभी मत मतलब मुझे मैं भी उस फेज में हूँ तो मेरा तो वैलेंटाइन्स मैं तो मेरा बस चले बजरंग दल में चली जाऊँ मैं इस वैलेंटाइन्स को इस मेरा जोन ही अलग है वैलेंटाइन्स. मैं मेरा तो ये है कि मेरे ना एक्चुअली पेरेंट्स आ रहे हैं और मेरे पापा का 13th को ही बर्थडे है तो हम उसी दिन और उनके साथ ही पूरी फैमिली के साथ फैमिली वैलेंटाइन नाइस फैमिली वैलेंटाइन बनेगा और बिकॉज़ आई एम मीटिंग देम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम तो हम सब शायद कुछ पिकनिक पे जाएं या कहीं जाएं तो हम तो मुग्धा बजरंग दल या किसी भी लोगों के भगाए नहीं जाएंगे कहीं से बिकॉज़ आई विल बी विद माय फैमिली और मैं मतलब पेरेंट्स और फैमिली के साथ ही मोस्टली लाइक दिस वैलेंटाइन उन्हीं के साथ जाएगा. मेरा तो कभी वैलेंटाइन ऐसा कभी मनाने वाला सीन हुआ ही नहीं है ना बर्थडे मनता है ना वैलेंटाइन मनता है तो जब बर्थडे नहीं मनता तो वैलेंटाइन तो कहाँ से मन जाएगा. तो ऐसे ही है जैसे नॉर्मल डे चल रहा होता है जो भी जैसे अभी मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ उस दिन अगर कोई बोलेगा इंटरव्यू है हाँ ठीक है कोई बोलेगा मैच देखना है हाँ ठीक है कोई टीवी देखना है हाँ ठीक है तो ऐसा नॉर्मल है. वो जो गोविंदा का डायलॉग भी था ना एवरी डे इज अ वैलेंटाइन एवरी सेकंड इज अ वैलेंटाइन वो सही है आई गो आई फॉलो दैट. वेल ये वेब सीरीज जो है आज के जनरेशन पे दिखाई गई जो आज के जनरेशन का लव एंगल चलता है तो आप लोगों का क्या कहना है आज की जनरेशन को लेकर क्या मैसेज देना चाहते हैं. आज की जनरेशन को मैसेज तो हम क्या ही देंगे अगर उनको प्यार है किसी से तो करेंगे प्यार उसमें हम अगर रोकेंगे भी तो वो तो हमसे लड़ाई कर लेंगे तो बस यही करेंगे कि हाँ सोच समझ के बस जो सही है वो करो उसके बाद ये मैम ये कोई जनरेशन वाली चीज तो है नहीं लव वाली मतलब वो तो जब किसी को होना है तो होना है चाहे वो बुजुर्ग हो या जवान हो या बच्चे हो स्कूल में भी हो जाता है लोगों को कॉलेज में भी होता है तो ये उसकी कोई टाइमलाइन तो है नहीं तो मतलब हाँ बस यही बोलेंगे कि बस ध्यान से कि बच के रहना बस मतलब कि कोई ऐसा ना हो वो एक जो बोलते हैं लोग कि वो तुम्हारा मजाक बना के चली गई वैसा ना हो और लड़कों को भी यही बोलेंगे भाई तुम किसी का मजाक मत बना के जाना बस ऐसा ही है. हाँ मतलब हम क्या ही? मतलब कोई पूछ ही नहीं रहा मुझसे सजेशन ही लेना तेरी बात तो यही है तो पूछेगा दे दूंगा मैं. आई थिंक लाइक माय मैसेज टू जेन जी बेसिकली रिगार्डिंग लव वुड बी इफ यू आर कंफ्यूज्ड देन यू नो डोंट ट्राई टू गेट डोंट nobody is forcing you there's no pressure there's no peer pressure that you have to have a partner you have to be in a relationship being single is not cool or something you know just I think take it slow I think my message to this generation in general is to take it slow taking it slow I think that's the answer to most of the problems I think one thing that the pandemic has also taught us is to not be in a rush. We were all just overdoing stuff and
everything with our emotions. We overdo the emotions. Why are you laughing, Vikram? मुझे कहीं ना कहीं sounding all wise and sound. नहीं, no no, it's she's wise and very good. She's telling everything correctly. But उसने एक चीज बोली ना कि my generation my तो वो तो मुझे थोड़ा ऐसा मैं उसी में अभी चलता हूँ. मुझे लग रहा है my generation. I said generation. वो अपने चारों तरफ जिसकी लाइफ में एंटर करता है एज अ फ्रेंडशिप एज अ रिलेशनशिप किसी भी वे में वो दूसरे को भी कंफ्यूज करके ही छोड़ देते हैं ऐसे लोग. सो आई थिंक इट्स रियली इम्पॉर्टेंट टू नो योर सेल्फ फर्स्ट सॉर्ट योर सेल्फ आउट फर्स्ट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन यू फाइंड समवन हूज गुड फॉर यू only then you proceed with them and then you start a relationship and call it love. So, yeah. I agree with Mukta. और आई थिंक जो शो में भी दिखाया है कि जो मुग्धा ने अभी बोला कि एक इंसान जो बहुत कंफ्यूज होता है वो जिसके भी लाइफ में एंटर करेगा उसको भी कंफ्यूज कर देगा. और शो में एक जो सहर का फ्लैशबैक है उसमें भी जिस जो उसका एक्स होता है वो उसको बोलता भी है कि यू नो इट मैं इंग्लिश में बताती हूँ व्हाट इट मेंट एक्चुअली व्हेन यू आर एट war with don't start a battle with somebody else when you are at war with yourself. ठीक है और ये बहुत ये not just for you know any love relationship या किसी भी relationship के you know in terms of any relationship ये चीज काम करेगी. और जो बहुत मतलब अभी अभी जवान हुए हैं प्यार में पड़ रहे हैं उनके लिए भी एक यही है कि let things happen to you. Let love touch you. Let love come to you. You'll have heartbreaks. You'll have a lot of things. But let life come to you in the you know सबसे raw form. तो उनसे उन experiences से आप सीखेंगे. उन experiences से आपको ये पता चल जाएगा कि अच्छा this did not work for me. Now I know what will not work for me. Now I know. What is the kind of person I do not want? So you will go for the one that you actually want, who will be actually right for you. So ये सब चीजें जो भी हो रही हैं, it's a beautiful experience. Love is a beautiful experience. आपके बहुत कुछ आप ऊपर like उतार चढ़ाव देखते हैं और इन्हीं सब उतार चढ़ाव से आप एक life के experiences सीखते हैं. And I think ये बहुत short जिंदगी है बहुत छोटे टाइम के लिए ये सब आता है आपकी लाइफ में सो एंजॉय इट लिव इट टू द फुलेस्ट दैट्स व्हाट आई वुड वांट टू से. लास्ट क्वेश्चन मेरा आप तीनों से ये कि मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ सीजन अपकमिंग सीजन वो आने वाला है लेकिन आप लोग कितना ज़्यादा एक्साइटेड हैं. बहुत मतलब अगर आता है तो आएगा आई एम श्योर आएगा क्योंकि ऐसे हुक को छोड़ा गया है कि सेकंड लाइक एक सेकंड सीजन का स्कोप भी है. आता है तो उसी फन के साथ उसी टीम के साथ उस एक्साइटमेंट के साथ हम लाइक आई एम रेडी यू नो. आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू बी बैक ऑन सेट विद द सेम टीम एक्चुअली दैट्स द plus with the with more energy because of all the love and appreciation that we will be receiving from this season we'll be all the more energized and enthusiastic to perform and outdo our own selves in the next season. So I think ये सीजन टू आ रहा है वो पहले अभी मेरे को एक बार कॉल आ जाए तो मैं वहाँ एक्साइटमेंट ज्यादा दिखा दूंगा कि यहाँ पे आधी एक्साइटमेंट होगी तो पता नहीं वो एक्साइट हो जाओ बाद में बोले नहीं यार वो तुम्हें तो रखा ही नहीं है इस बार वो जो है ना वो बैंगलोर जो गए हैं दिल्ली का बाद में करेंगे हम तो हाँ मतलब एक्साइटेड हो जाएंगे बहुत ज्यादा बट अभी तो इसके लिए एक्साइटेड बहुत ज्यादा है जो आया हुआ है जो क्योंकि इसके रिव्यूज और रिस्पॉन्सेज बहुत अच्छे आ रहे हैं सब लोगों को बहुत पसंद आ रहा है और बस ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को पसंद आए और ताकि हमारी एक्साइटमेंट फूली ना समाए वाली चीज हो जाए
उसके बाद जो है फिर हम देखेंगे कि ये बैंगलोर लेके जाएंगे या फिर दिल्ली वालों को बैंगलोर या बैंगलोर को दिल्ली कुछ करेंगे. तो एक्साइटमेंट वहां पे है कि कैसे यहाँ ट्रस्ट होगा नहीं होगा, बट अभी तो फिलहाल इसके लिए एक्साइटेड है कि जो अभी चल रहा है ये बहुत अच्छा चल रहा है, तो ये अच्छा चले और ज्यादा से ज्यादा लोग देखे और लोगों को अच्छा लगे, तो एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है. बाकी इनके साथ इनमें से कोई भी कहीं भी काम कर ले एक्साइटमेंट ये होती ही है. मतलब ये हमारी टीम ही ऐसी है कि अगर कुछ बोरिंग भी हो रहा हो तब भी एक्साइटमेंट हम ढूंढ ही लेते हैं कहीं ना कहीं. अभी एक आधा एक टाइम भी ऐसा था सेट पे कि जब रात हो गई थी और बहुत हेक्टिक शेड्यूल हो गया था, सबके बैक टू बैक सीन्स लग रहे थे, तो उस टाइम रात में बोलना चाहिए नहीं चलो हाँ नाम तो नहीं ले रहा, तो एक आधे लाइटमैन भी होते हैं तो वो बेचारे थोड़ा ना ऐसे झपकी आने लग गई उनको, तो वो एक कैमरा निकाल के अरे चलो सर उठो, तो वो एक्साइटमेंट सबने फिर किसी ने गाने चला दिए, कोई अंदर डर के मारे के कोई वीडियो ना बना दे, तो वो एक सेट हो जाता है. एक्साइटेड हम हमेशा रहते हैं जो कि रहना चाहिए, ये मैं जेन ज़ी को बोल दूंगा कि एक्साइटमेंट हमेशा रखनी चाहिए कुछ भी करो. हाँ तो एक्साइटेड बहुत है हम. तो भाई ये थे हमारे साथ अनसॉर्टेड वेब सीरीज के को स्टार तारा, नमन और सहज, जिन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई हैं. तो हम तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं अपकमिंग सीजन के लिए और हम आपसे भी बोलना चाहेंगे ये सीज़न ज़रूर देखिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे. वेल थैंक यू सो मच आप तीनों ने इतना कीमती टाइम दिया हमें अपना. Thank you so much. Thank you so much for having us and for taking such a lovely interview, for asking such a lovely questions and aapke viewers ke through bhi hum kehna chahenge ki jitne bhi log ye interview dekh rahe hain jitne tak bhi pahunch rahe hain jaake dekhiye Unsorted Disney Plus Hotstar achhi lagegi. Yes.